हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं पासवर्ड जनरेटर। तो कैसे हम रैंडम पासवर्ड जनरेट करते हैं, ये हम जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बताता हूँ कैसे इसकी पहले वर्किंग है। तो इसमें क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ कितनी पासवर्ड की रखनी है, इसमें मैंने कर दिया है मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20, तो कितनी भी रख सकते हैं। उसके बेसिस पे अपना यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे। फिर उसमें हम पूछेंगे कि सिंबल इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है। इंक्लूड करना है तो चेकबॉक्स पे चेक कर देंगे, नंबर इंक्लूड करना है तो इस पर कर देंगे, अपर केस लोअर केस नहीं करना है तो रहने देंगे, और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो आपका ये पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एक फंक्शनलिटी है कि कॉपी टू क्लिप बोर्ड भी, इस पर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो अलर्ट हम दिखा देंगे कि आपका पासवर्ड जो है वो कॉपी हो चुका है। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पेस्ट करता हूँ इसको मैं, ये देखिए वही पासवर्ड है। तो इसका यही वर्किंग है। तो हम ये बनाने वाले हैं, तो मैं इसको समझा देता हूँ कैसे हम बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये पूरा जो पार्ट है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये रहेगा एक कंटेनर। तो उसके बेसिस पर हम इसको सेंटर में लेके आएंगे। ठीक, ये होगा हमारा एक बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर एक हम ये हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर एक हम बनाएंगे ये एक डिव बनाएंगे जिसके अंदर इन दोनों चीज़ों को रखेंगे। ये हमारा आइकन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, यानी कि इसको पी टैग में ले सकते हैं, किसी भी टैग में आप ले सकते हैं। उसके अंदर रखेंगे ये, रहेंगे हम ये हमारे सब इनपुट बॉक्सेस, ये भी इनपुट, ये और ये। इसका टाइप रहेगा नंबर, ये होंगे चेक बॉक्स, ये चारों चेक बॉक्स होंगे, एक बटन रहेगा। ठीक है, तो ये बटन मैंने ऑलरेडी अपनी नई वीडियो में बताया हुआ है, जो है एक्टिव बटन वाली। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको देख लें एक बार, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं कोड को। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपना HTML। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। ये एक कंटेनर है हमारा, जिसकी हेल्प से हम इस बॉक्स को सेंटर में लेके आएंगे। फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे, ये हमने पासवर्ड बॉक्स को नाम दिया है, ये पासवर्ड बॉक्स होगा। ये है हमारा पासवर्ड बॉक्स। ठीक है, ये इस दिन में हम बनाने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर हम बनाएंगे, अब ये जो हमारा हेडिंग है पासवर्ड जनरेटर H3 में उसको रख लेंगे। उसके बाद हमें कंटेनर बनाने पड़ेंगे। देखिए, एक कंटेनर होगा ये वाला। ठीक है, जिसके अंदर हम ये रखेंगे अपना एक चीज, और एक ये रखेंगे। ठीक, दूसरा एक कंटेनर होगा ये पूरा, ये कंटेनर। तो हमने एक डिब में रख लिया ऑप्शन कंटेनर के नेम से, ये हो गया। ये पासवर्ड वैल्यू कंटेनर में हमने ये वाला रख लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें एक बटन को भी कंटेनर में रख लिया है। तो ये बटन है हमारा एक कंटेनर के अंदर है। ठीक, तो ये हमने कर लिया है अपना। और देखिए, इसके अंदर जो डिब है हमारा ऑप्शन कंटेनर, इसमें भी हम मल्टीपल डिवीजन रखने वाले हैं। कैसे, देखिए, एक डिवीजन हम इसको बनाएंगे जिसके अंदर हम दो चीज़ें रखेंगे। एक होगा ये हमारा लेबल, और एक रहेगा ये इनपुट। ठीक है, ऐसी सेम ये भी डिवीजन, मतलब ये सारे डिवीजन सेम होने वाले हैं, जिसके अंदर दो चीज़ें रहेंगी, एक रहेगा लेबल और दूसरा रहेगा इनपुट। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था नंबर होगा ये, और ये सारे चेकबॉक्स होंगे। तो ये सब हमें करना है, तो देखते हैं। तो पहले तो देखिए, तो देखते हैं हमने इसमें क्या रखा है। इसको रखा है पी में। ठीक, उसके अंदर एक हमने आइकन उठाया है फॉन्ट ऑसम के, फॉन्ट ऑसम वेबसाइट से, fontawesome.com से। तो उसमें रखा है हमने ये आपके आइकन का कोड है। इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन और लगा दिया है ऑन क्लिक, जिसपे ये कॉपी पासवर्ड फंक्शन लगा है जावास्क्रिप्ट का। जब भी क्लिक करेंगे इस पे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन कंटेनर में हमने डिव बनाए हैं अपने। तो ये देखिए, ये सब डिव है। उस डिप के अंदर उनको क्लास दिया हमने ऑप्शन। उस डिप के अंदर दो चीजें हैं, एक है लेबल और दूसरा है इनपुट। तो इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, ये है लेबल और ये है इनपुट। इनपुट में हमने सबसे पहले जो ये वाला जो हमारा इनपुट है, इसको हमने क्या रखा है, नंबर। तो ये जो होगा ये नंबर होगा आपका। ठीक है, इसका टाइप नंबर, और इसमें हमने इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी दे दी है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 2। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कोई भी वैल्यू, मिनिमम 1, मैक्सिमम जितना ही रखना चाहें, जितना बड़ा पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हो उतनी रख सकते हैं इसमें। उसको हमने आईडी दे दी, जिस आईडी पे हमने यहाँ पे लेवल लगाया है। तो लेवल हमने टोटल लेंथ लगाया,
और ये नीचे वाले जो आपके चार ये इनपुट हैं, यानी डिव बोल सकते हैं इनको, ये जो डिव है ये सब सेम होने वाले हैं, तो इनका इनपुट रहेगा टाइप चेकबॉक्स। ठीक, बस सब में आईडी डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी, तो इसका भी चेकबॉक्स रहेगा। बाकी नीचे वाले और जो तीन बचे हुए हैं इनका भी टाइप चेकबॉक्स रहेगा। बस हमने क्या किया है यहाँ पे, आईडी चेंज कर दी, इसके सिंबल, इसको नंबर, इसको अपर केस, इसको लोअर केस, और यहाँ पे इसका लेबल चेंज कर दिया है। इतना किया है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये बटन बनाना है। तो बटन को हमने क्या किया, डिब में रख लिया बटन कंटेनर। ठीक है, ये देखिए उसमें हमने बटन बनाया, उसको एक आईडी दी और उसमें एक फंक्शन कॉल करा दी, जब भी उस पर हम क्लिक करें जनरेट पासवर्ड, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। हमने तीन फाइल बनाई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मेन डॉट जे एस जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड रखेंगे, और स्टाइल डॉट टी एस एस जिसमें हम अपनी स्टाइल रखने वाले हैं। तो इसको हमने लिंक भी करा दिया है, ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक करा दिया। ये फॉन्ट ऑसम की स्क्रिप्ट है, उसको हमने डाल दी यहाँ पे, और हमने सी एस एस को यहाँ पे लिंक करा दिया है। ठीक, अब चलते हैं सी एस एस पार्ट पे। ठीक है, चलिए। तो अब सी एस एस समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया है इसमें, देखिए यूनिवर्सल स्टाइल सब में लगा दिए, तो इसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग इसको बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए जो अपना कंटेनर है उस पे स्टाइल लगाई है, डिस्प्ले फ्लक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और हाइट इसको कुछ दे दिया 100 व्यू हाइट। इससे क्या हुआ है, इससे जो भी हमारा जो डिव है वो सेंटर में आ गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम इस बॉक्स पे स्टाइल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पासवर्ड बॉक्स हमने इसको दिया है अंदर वाले डिप को, ये रहा पासवर्ड बॉक्स दिया है। इसमें हमने क्या किया, बॉक्स शैडो लगा दी, डिस्प्ले फ्लक्स इसमें भी लगा दिया और जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर करा दिया। इसमें हमें फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम लगाना पड़ेगा जिससे हम उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम वाइज शो करना चाहते हैं। ठीक, विड्थ हमने 350 पिक्सल दिए। ठीक है, उसके बाद जो हमने डिप बनाए थे इसके अंदर, एक था जो कंटेन कर रहा है पासवर्ड को और एक हमारा आइकन, उसके बाद ऑप्शन कंटेनर है, बेसिकली जो आपका बॉक्स है डिव उसके अंदर तीन डिव्स हैं। ठीक है, एक तो ये पासवर्ड वैल्यू कंटेनर और एक ये ऑप्शन कंटेनर, देखिए ये ऑप्शन कंटेनर है, पासवर्ड वैल्यू कंटेनर है और एक बटन कंटेनर है, ये तीन डिव है इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने पासवर्ड बॉक्स पे लगाई थी स्टाइल, अब हम उसके अंदर जो ये है आपका पासवर्ड जनरेटर हेडिंग, इसको हमने क्या किया है, बेसिकली बस मार्जिन टॉप से दे दिया 10 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन इसको करा दिया है सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाले डिप पे स्टाइल लगाई है, मतलब एक तरीके से इसके अंदर हमने डिप इस पे स्टाइल लगाई, तो एक सिक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम। तो उस देखिए इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो जो आपका ये था इसको हमने बैकग्राउंड कलर कुछ दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद डिस्प्ले फ्लक्स और जस्टिफाई कंटेंट करा दिया स्पेस बिटवीन। उससे हुआ क्या, जो आपका पीट है वो पहुंच गया लेफ्ट में और ये जो आपका आइकन है ये पहुंच गया बिल्कुल राइट में। ठीक है, उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर करा दिया, ये क्या चीज है, ये जो आपके क्रॉस एक्सिस है इस पे सेंटर में आ गए, यहाँ पे बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है यहाँ पे क्रॉस एक्सिस के। ठीक, मार्जिन दे दिया 30 पिक्सल का और कुछ बॉर्डर रेडियस को दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी में जो पी है इस पे स्टाइल लगाई है, इसको थोड़ा सा पैडिंग दिया है और फॉन्ट साइज का लार्जर कर दिया है और उसको कुछ हाइट दिया है। ठीक है, फिर जो आई है उसको हमें राइट से भी कुछ देना पड़ेगा मार्जिन, तो मार्जिन राइट दिया उसको हमें 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज का लार्जर कर दिया है, दोनों का फॉन्ट साइज लार्जर ही है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट डिप पे। तो नेक्स्ट डिप हमारा ऑप्शन कंटेनर, उसमें क्या किया है हमने, उसमें भी सेम डिस्प्ले फ्लक्स लगाया है। ठीक, फ्लक्स डायरेक्शन को कॉलम दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, और मार्जिन को दे दी 10 पिक्सल की। ठीक, नेक्स्ट है इसका, इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर है हमारे ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन है, उसमें लेवल और इनपुट है, तो पहले ऑप्शन पे लगाते हैं स्टाइल। तो ऑप्शन के ऊपर लगाना है आपको सबसे पहले वही सेम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी और जस्टिफाई कंटेंट हम सेम रखेंगे, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टाइल लगाई जो हमने इसमें लगाई थी पासवर्ड वाले कंटेनर में, बस इसको बॉक्स शैडो और दे दिए इसमें और पैडिंग थोड़ी सी 5 पिक्सल की दे दी है।
उसके बाद हमें लेवल पे लगानी है उसके, और देन इनपुट पे। तो लेवल पे लगाते हैं, लेवल में रखा है बस फॉन्ट साइज लार्जर, और पैडिंग लेफ्ट से उसको दे दिए 10 पिक्सल की, ठीक इतना ही किया है इसमें हमने बस। उसके बाद जो आपके ऑप्शन के अंदर इनपुट है और जिसका टाइप चेकबॉक्स है, यानी कि इसको छोड़ के इसके बाद वाले जो चारों हैं उन पे स्टाइल लगाई हमने, उनको दिए विड्थ 20 पिक्सल और हाइट 20 पिक्सल, ठीक है। फिर बटन कंटेनर यानी कि जो थर्ड डिव है आपका बॉक्स के अंदर जो थर्ड पार्ट था वही था बटन कंटेनर, उस पर स्टाइल लगाई, उसमें भी डिस्प्ले फ्लक्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया है हमने, 65 कंटेंट सेंटर किया है और इसको थोड़ी सी मार्जिन दे दिया है, ठीक। फिर बटन पे स्टाइल लगाते हैं, तो ये बटन मैंने जैसा बताया है कि एक दूसरी वीडियो है एक्टिव बटन वाली, उसमें मैंने बताया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, देखिए। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें हमने पैडिंग दी 20 पिक्सल की, उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है, बॉर्डर उसका कुछ हमने हटा दिया है, नन कर दिया है, उसको कुछ बॉर्डर रेडियस दी, कलर उसका व्हाइट रखा है हमने, फॉन्ट साइज को लार्जर, और उसको कुछ बॉक्स शैडो दिए जिसमें हमने 5 पिक्सल एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट भी 5 पिक्सल रखा है, और जो इसकी ब्लर रेडियस है वो हमारी 1 पिक्सल की, उसको कुछ कलर दे दिया है, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई इसको स्मूथ बनाने के लिए, और जब भी वो हावर हो उस पर कर्सर उसका पॉइंटर हो जाए, और जब भी एक्टिव हो तो उसकी बॉक्स शैडो हट जाए जिससे कि हमें एकदम रियल बटन की तरह फील कराए वो, ठीक है। इसमें मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा दी है। तो ये था बेसिक हमारा सी एस एस का पार्ट, तो आप देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमने अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड सिंबल रख लिए हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, आप इनकी ASCII वैल्यू के हिसाब से इनको गेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे इनको डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं सारे नंबर, उससे हम रैंडम ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कभी और मैं आपको वो दूसरा तरीका ही बता दूंगा, ठीक है। इसमें और ये मैं जितना भी कोड है नीचे लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, गिटहब पे आके आप इसको चेक इन कर सकते हैं, तो वहां से आप इस कोड को पूरा ले सकते हैं और अपना रन करा सकते हैं, ठीक है। तो अपर केस में मैंने सारे अपर केस डाल दिए, लोअर केस में सारे लोअर केस, नंबर में नंबर, और सिंबल में ये जो सिंबल्स हैं सब इसमें रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, जब भी बटन प्रेस हो तो हमारा जनरेट पासवर्ड कॉल हो जाए, तो ये जो फंक्शन है आपका जेनरेट पासवर्ड, ये कॉल होगा, ठीक। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो पासवर्ड है हमारा उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी से यहाँ पे ले लिया इस पासवर्ड बॉक्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है आपका, ये वाला ये जो पी टैग है ये पासवर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम अपना पासवर्ड का आउटपुट रखेंगे इस पी टैग में, तो हमने इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी की हेल्प से यहाँ पे ले लिया है, ठीक। दूसरे नंबर पर हमने लिया है लेंथ, तो ये आपकी लेंथ है, कितनी उसकी लेंथ होगी ये चेकबॉक्स की हेल्प से हम निकाल लेंगे, चेकबॉक्स में इनपुट इनपुट में हमने लेंथ रखी उसकी हेल्प से, और ये हम यहाँ पे ले लेंगे, चेकबॉक्स यहाँ पे लगाएंगे। सिंबल्स में अगर वो चेक्ड है तो हमने लिया है जिसको आई डी दी थी सिंबल वाले को सिंबल, तो डॉक्यूमेंट डेट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी अगर वो चेक्ड है तो इस सिंबल में आ जाएगा ट्रू, अगर वो चेक नहीं है तो वो जाएगा फॉल्स, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं इसमें चेक बॉक्स में, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो अगर वो चेक होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सेम नंबर में अगर चेक होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सेम वे में अपर केस और लोअर केस में भी यही रहेगा, ठीक। अब हमने क्या किया है, देखिए अगर पासवर्ड पे आप कुछ भी लेंथ नहीं देते हैं उसको तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं आएगा, तो हमने क्या किया है, अगर उसमें पासवर्ड में लेंथ नहीं है तो उसमें एक अलर्ट दे दीजिए, प्लीज सेलेक्ट लेंथ, मतलब आप कुछ उसमें लेंथ उसको एंटर करनी है, प्लीज एंटर एनी लेंथ। आप कोई भी इसमें मैसेज प्रिंट करा सकते हैं अलर्ट में अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद हमने क्या किया है, अगर दूसरा केस एक केस हो गया कि वो कोई लेंथ एंटर नहीं करता है, ठीक। दूसरा केस हो जाएगा, मान लीजिए वो कोई भी बॉक्स सेलेक्ट नहीं करता, ना ये सेलेक्ट करेगा, ना ये सेलेक्ट करे, ना ये सेलेक्ट करे और ना ये सेलेक्ट करे, तो जो हमारा जो पासवर्ड जनरेटर होगा वो किस बेसिस पे
जनरेट करेगा, तो ये भी चेक कर देना है कि अगर उसमें ना सिंबल चेक्ड है, ना ही नंबर चेक्ड है, और ना ही अपर केस चेक्ड है, और ना ही लोअर केस चेक्ड है, इन सबको हमने एंड से जोड़ा है, तो ये सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने नॉट लगा दिया है, तो अगर सिंबल भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, अपर केस भी नहीं है, और लोअर केस भी नहीं है, तो अलर्ट दो और रिटर्न कर जाओ। ठीक, उसके बाद एक हमने वेरिएबल लिया है पासवर्ड, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली पासवर्ड स्टोर कराएंगे, तो इसमें हमारा पासवर्ड रहेगा यहाँ पे। तो अब इस लूप को समझना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक लूप ये है, इसके अंदर पार्ट में अभी समझेंगे, पहले इसके लूप को समझा देता हूँ किस तरीके से चल रहा है। अभी जो आपका ये लूप के अंदर है, इस पर फोकस मत करिए, इसको अभी छोड़ दीजिए सेकेंड के लिए। ठीक है, इस पर फोकस मत करिए, मैं समझाता हूँ लूप में हमने ये क्यों लगाई कंडीशन। देखिए, मैं इसको लूप को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, इसकी वैल्यू हम लेते हैं इनिशियली 3, लेंथ की सपोज करते हैं 3। ठीक है, पासवर्ड लेंथ इनिशियली 0 है। ठीक, जब ये 0 है तो कंडीशन चेक करेगा क्या लेंथ हमारी ग्रेटर है पासवर्ड लेंथ है। ऑब्वियसली ग्रेटर है तो इसके लिए चल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जब पासवर्ड की लेंथ 0 है तब भी चल रहा है, फिर पासवर्ड की लेंथ होगी 1 तब चलेगा, फिर पासवर्ड की लेंथ होगी 2 जब पासवर्ड की लेंथ 2 है। ठीक है, इन एक्चुअल में 2 है तो ये चलेगा। तो ये करेगा क्या, अंदर जाके पासवर्ड की लेंथ को एक इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो अब जब ये इस कंडीशन पे चेक हुआ था, तो जब ये रन हुआ तो इसने एक्चुअल में पासवर्ड की लेंथ कर दी 3। ठीक, तो हमारे को जो पासवर्ड चाहिए था वो मिल गया 3 लेंथ का। तो अब जब यहाँ पे कंडीशन चेक हो तो ये ना रहे, इक्वल ना रहे, नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर इक्वल लग दिया तो क्या होगा, एक बार और चल जाएगा, इसलिए हमने कंडीशन लगी है सिर्फ लेंथ इज ग्रेटर देन पासवर्ड डॉट लेंथ, इक्वल नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल आपको ये नहीं रखना है। ठीक, इसलिए हमने चलाई थी। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो मैट डॉट रैंडम है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसी का जो क्रोम है हमारा, इसी का हम कंसोल यूज कर लेते हैं। तो मैट डॉट रैंडम जब भी आप चलाएंगे फंक्शन, ठीक है, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम इसका यूज करेंगे रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए। देखिए, जब भी आप इसको बार बार चलाएंगे तो एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। अब इसमें हम क्या करें, अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज करिए हमें 26 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो रैंडम वैल्यू देगा वो 1 से लेके 26 तक के बीच में होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 से लेके 26 के बीच में वैल्यू ये आपको रिटर्न करेगा। ठीक, अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, इसकी फ्लोर वैल्यू चाहिए होती है, इसके बाद का हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या लगाते हैं, मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर ये, और मल्टीप्लाई अगर कर दे 26 से, तो देखिए एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देगा 1 से लेकर 26 के बीच में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये हमें हेल्प करेगा अपना कोड समझने के लिए। तो वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब एक एक करके समझेंगे। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ। ये मैंने बनाया है एरे ऑफ फंक्शन, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया जो फंक्शन रिटर्न करता है अपर केस को, ये मैंने अभी समझाया था आपको इतना। ठीक है, इसमें हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करें तो उसके रेंज में नंबर देता है, ये भी आपको पता है। तो हमने क्या किया है, ये जो कीज है आपकी, इसका यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा कीज डॉट अपर केस डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है, 26। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 से लेके 26 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, कीज डॉट रिटर्न कर देना, जब भी ये वाला फंक्शन कॉल हो, कीज डॉट अपर केस और ब्रैकेट में वो रैंडम नंबर। तो बेसिकली अगर ये हुआ इस तरीके से, कीज डॉट अपर केस और सपोज कई रैंडम नंबर जनरेट हुआ 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा बताइए आप। ठीक
कीज डॉट अपर केस टू क्या रिटर्न करेगा, कमेंट में आंसर दीजिए अभी। आई होप आपने लिख दिया हो कमेंट में, तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये होती है जीरो इंडेक्स, ये होती है फर्स्ट और ये होती है सेकंड, तो रिटर्न करेगा सी, कैपिटल सी। ठीक, सेम वे हमने फंक्शन बनाया लोअर केस के लिए, नंबर के लिए और सिंबल्स के लिए, सेम काम कर रहा है जिस तरीके से ये काम कर रहा है, बस डिफरेंस ये है ये लगा है लोअर केस के ऊपर, ये लगा है नंबर के ऊपर और ये लगा है सिंबल के ऊपर। और हमने क्या किया है इनको, इन सारे फंक्शंस को एक एरे में रख दिया है। ये हमने इसलिए किया है, मैं बता देता हूँ क्यों किया है। सपोज करिए अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता, बेसिकली अगर हमें सपोज करिए कोई 5 लेंथ का पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टू पोजिशन पे हमें कैपिटल लेटर ही चाहिए, अगली दो पोजिशन पे हमें स्मॉल लेटर चाहिए, फिर सिंबल चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है, अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल, और इन मतलब बेसिकली इन कोई किसी भी पोजिशन पे इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी कब आएगा, जब हम इनको यहाँ पे रेंडमली जनरेट करें, ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम अपर केस में से रेंडम जनरेट कर रहे हैं, नहीं, पहले तो इन सब में से कोई भी एक नंबर जनरेट हो जाए, जिसमें जैसे ये है टोटल 4, तो इनमें से चारों में से कोई भी रैंडम जनरेट हो जाए कि इस पे किस पे लगाना है, इन चारों में किस पे लगाना है। तो पहले रैंडम जनरेट होगा इन चारों में से, सपोज करिए 2 आया, 1 2 3 में ले, तो 1 2 3 4, तो अगर ये 2 आया रैंडम तो फिर किस पे लगेगा, इस सेकंड में से जो भी रैंडम होगा फिर इसमें से सेलेक्ट होगा। ठीक, ये थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें स्क्रीन पे, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले बेसिकली हमने इसमें से इन चारों में से कोई भी रैंडम निकाल लेना है, उसके बाद हमें उन चारों के अंदर जो वैल्यूज है उसमें से रैंडम निकालना है। ठीक है, इतना काम करना है, ये समझा रहा था मैं तक। ठीक, तो ये फंक्शंस आपको समझ में आ ही गए हैं, तो इसको हटाते हैं। अब समझते हैं अपने लूप के अंदर हमने क्या किया हुआ है। देखिए मैंने बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, उन चारों में से रैंडम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, हम क्यों लगाते हैं, रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए। कितनी जनरेट करनी है, गेट की डॉट लेंथ, गेट की क्या है आपका, ये इसकी जितनी लेंथ है उसमें से आपको रैंडम जनरेट करना है। इसकी लेंथ कितनी है, 4, 4 में से आपको कोई नंबर रैंडम जनरेट करके देना है। ठीक, इसमें कोई रैंडम आएगा, फिर उसके बाद देखिए रैंडम जनरेट हो गया, तो सपोज करिए इसमें आया 3, तो थर्ड फंक्शन कॉल होगा गेट की में। ठीक है, थर्ड फंक्शन कॉल हो जाएगा और की टू एड जो है आपका इसमें वो स्टोर हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया है, ये देखिए, तो की टू एड फंक्शन आपका हो जाएगा रैंडम यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, जो भी इनपुट बॉक्स हमारा चेक है उसको यहाँ पे इस चेक में स्टोर करा लिया। वो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट कैच एलिमेंट आईडी आपको पता ही है, की टू ऐड जो है आपका ये, और डॉट नेम, डॉट नेम क्या रिटर्न करेगा, देखिए की टू ऐड में आया आपका फंक्शन, तो की टू ऐड है आपका फंक्शन और उसका हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, डॉट नेम करके अगर हम लिखते हैं तो ये फंक्शन का नेम रिटर्न कर देता है। तो हमने जो यहाँ पे दिए हुए हैं आईडी, वो सेम दिए हुए हैं जो फंक्शन का नेम है। ठीक है, लेंथ, सिंबल, अपर केस, लोअर केस, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि वो चेक है या फिर नहीं है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर वो चेक है तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दीजिए बेसिकली। तो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, जब ये कॉल होता है क्या रिटर्न करता है, इस की में से कोई भी रैंडम वैल्यू। सपोज करिए अपर वाला फंक्शन को, अपर केस वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो इस वाली जो ये है आपकी, ये इसमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू आपको जनरेट करके दे देगा, ये अपर केस में से बस। ठीक है, हो गया। जब ये लूप खत्म हो जाए उसके बाद क्या करना है, पासवर्ड बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल, ये कौन सा पासवर्ड बॉक्स आपका, तो ये हमने यहाँ पे लिया था पासवर्ड बॉक्स, ये पासवर्ड बॉक्स
पासवर्ड बॉक्स वही है पी टैग आपका, तो पासवर्ड बॉक्स डॉट इन एसक्यूएल में हमें असाइन करा देना है पासवर्ड। अब इसके बाद समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो कॉपी पासवर्ड फंक्शन है काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो आपका ये वाला जो आइकन है हमने लगाया है, इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। वो कैसे काम करता है अभी देखने वाले हैं। ये देखिए इसमें ही हमने ऑन क्लिक पे कॉपी पासवर्ड फंक्शन कॉल कर दिया है। जब भी क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमने बनाया है, उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जो पी टैग है हमारा, ठीक है, उसमें पासवर्ड होगा तो हमने उसका इनर टेक्स्ट इस वाले पासवर्ड में स्टोर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें कोई भी पास अगर आप ऐसे ही इसको प्रेस कर देते हैं जबकि उसमें कोई पासवर्ड है ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली बस खाली रिटर्न हो जाएगा, इन दोनों लाइन पे नहीं चलेगा, ठीक। अदरवाइज में कोई पासवर्ड है तो क्या करना है, हमें नेविगेटर का यूज कर लेना है। नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड की हेल्प से हम जो पासवर्ड है उसको कॉपी करा सकते हैं। तो बेसिकली हमें करने का नेविगेटर डॉट क्लिप बोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, और इसमें क्या करा देना है, पासवर्ड को राइट करा देना है। तो राइट टेक्स्ट क्या करेगा, इस क्लिप बोर्ड पे जो भी टेक्स्ट होगा मतलब पासवर्ड होगा उसको कॉपी कर देगा। उसके बाद हमें क्या एक अलर्ट दे देना है, आपका पासवर्ड कॉपी होगा क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। तो ये था आपका, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली सपोज करिए हमें 8 लेंथ का पासवर्ड जनरेट करना है जिसमें अपर केस हो लोअर केस हो। पहले ये चेक करते हैं, तो देखिए ये हो गया है, अपर केस और लोअर केस आ रहे हैं। अगर हम सिंबल भी इंक्लूड करते हैं सिंबल आ जाएंगे, अगर हम नंबर भी इंक्लूड करते हैं तो नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। ये थी हमारी वर्किंग। आई होप ये आपको अच्छा लगा और समझ में आया। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।